नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से कि अभी AIIB का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 का, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाली। क्या टेक्निकल रीजन है कि अभी तक जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रजिस्ट्रेशन का डेट और एग्जामिनेशन का डेट ये सब नहीं निकाली। इसका बहुत डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूं जो टेक्निकली हो रहा है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी AIIB 17 का रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन डेट नहीं निकाला। ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस जुलाई महीने में एक AMC मीन्स ऐसी कंपनी या फर्म को सिलेक्ट करने जा रही है जिस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो है मैनेजमेंट करेगी, मीन्स एग्ज़ाम वही कंडक्ट करेगी वो AMC, और सुपरविजन जो होगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमिटी गठित की है, और ये कमिटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वो वही जो है इस कमिटी के हेड होंगे। तो अब बात आती है कि कमिटी तो गठित हो गई है, लेकिन ये AMC जो है ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो AIIB एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट कराने का जिसका जिम्मा दिया जाएगा उस कंपनी का ही सिलेक्शन अभी नहीं हो पाई है। जुलाई महीने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाली थी और इस टेंडर को जो है 8 अगस्त तक भरना था जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करती, लेकिन फिर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस टेंडर का डेट बढ़ा के 20 अगस्त तक कर दिया, और 20 अगस्त करने के बाद जो है अब टेंडर का डेट समाप्त हो चुका है। लेकिन जो है अभी टेंडर का जो ओपन होने का डेट अभी जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं पब्लिश की है। ओपन होने का अर्थ ये हुआ कि टेंडर में जितने भी कंपनी भाग ली होगी और जो इच्छा जताई होगी एज ए टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने टेंडर में रखा है वो उसका सिलेक्शन के बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगी कि कौन सा कंपनी जो है मेरे एग्जामिनेशन का टर्म एंड कंडीशन है उसको फिलफिल करता है, और मेरे एग्जामिनेशन जो AIIB का एग्ज़ाम होगा उसको वो अच्छी तरह से निभा पाएगी। और ये टेंडर केवल जो है इसी एग्जाम में मीन्स अभी जो एग्ज़ाम होगी AIIB 17 का उसका ही टेंडर निकाला है। तो अब बात आती है कि टेंडर का डेट तो समाप्त हो गया है, लेकिन टेंडर का जो ओपन होने का जो डेट है मीन्स जिसमें बिड दिया जाएगा उसका ही डेट अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं निकाली है, और चांसेज है कि फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में इसका डेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया निकालेगी। और जब टेंडर क्लोज होगा और जिसको बीड मिलेगी और जो कंपनी सिलेक्ट होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो AIIB का एग्ज़ाम होगा उसको करवाने के लिए, तो फिर फाइनली कंपनी सिलेक्ट होने के बाद ही जो है ना और फिर रजिस्ट्रेशन का डेट और फिर जो है ना एग्जामिनेशन का डेट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखने की चीज़ है कि जब टेंडर ही जो है अब ओपन नहीं हुआ है और जिस कंपनी को एग्ज़ाम कराने के लिए जिम्मा दिया गया उसी कंपनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो फिर जो है ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कैसे निकलेगी, रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन कैसे निकलेगी। तो अभी जो है जैसा कि मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है के हियरिंग में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन दिए थे और फिर जो है ना उन्होंने टेंडर निकाला। अब फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर जो है में जो हेयरिंग हुई थी उसमें ये भी बताया था कि हम जो है विद इन 20 अगस्त तक में हम सिलेबस निकाल देंगे। सिलेबस तो निकाल दिया है लेकिन जो है अभी टेंडर नहीं हो पाया है, यही यही मेन कॉज है कि यहाँ पे एग्ज़ाम का